मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भवेश कुमार वैभव। आज हम गतांग के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। किसी संख्या पे पावर रहने पर कैसे हम गुणा करेंगे वो हम आप लोगों को बताएंगे। मान लें कि x कोई संख्या है, उसके ऊपर पावर m है, गुणा में दूसरा संख्या x है, उस पे पावर n है। तो जान लें गुणा में आधार समान रहने पर, गुणा में आधार समान रहने पर पावर मेरा जुट जाता है। देखें आधार मेरा वही रहेगा लेकिन मेरा पावर जुट जाएगा, m पावर n हो जाएगा। गुणा में आधार समान रहने पर पावर जुट जाता है। क्या होता है, गुणा में आधार समान रहने पर पावर मेरा जुट जाता है। संख्या वही रहता है लेकिन पावर मेरा जुट जाता है। जैसे 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 4। संख्या में आधार मेरा वही है, आधार मेरा वही रहेगा लेकिन पावर मेरा जुट जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 7 हो जाएगा। समझ गए, x पे पावर m गुना x पे पावर n, गुना में आधार वही रहेगा पावर जुट जाएगा। पावर समान तो नहीं है, कहीं m है कहीं n है, इसलिए आधार समान है आधार वही लिए, पावर समान नहीं है पावर को हम जोड़ दिए। गुना में आधार समान रहने पर पावर जुट जाता है। आधार समान है दोनों का, आधार वही रहा लेकिन पावर मेरा जुट गया, इतना हो गया। ठीक है, अब देखें भाग। भाग में क्या होता है, आधार समान रहने पर, आधार समान रहने पर पावर मेरा घट जाता है, m माइनस n हो जाता है। जैसे जैसे देखें 3 पे पावर 4 भागा 3 पे पावर 3 ले लें। देखें आधार वही रहेगा लेकिन मेरा भागा में पावर घट जाता है। आधार वही रहा, आधार वही रखे लेकिन भागा में मेरा पावर घट जाता है, 4 माइनस 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 4 में 3 को घटाएंगे कितना हुआ, 1 होगा। समझ गए, अब तीसरा नंबर देखें, x पे पावर n इंटू n, ये कैसे करेंगे, इसको x पे पावर m गुना n लिख सकते हैं। जैसे आप लोग देखें, जैसे इसमें 2 पे पावर 3 पे पावर 2, इसको कैसे हल करेंगे हम, इसको हल करेंगे ऐसे, x x जो भी रहेगा m गुना n हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, आधार तो वही रहा लेकिन पावर दोनों का गुना हो जाएगा, 3 गुना 2 क्या हो गया मेरा, 2 पे पावर 6 हो गया। समझ गए, चौथा लें, आधार अलग रहने पर, आधार अलग है पावर समान है, तो क्या करेंगे हम, आधार को गुणा कर लेंगे और पावर मेरा वही रहेगा। जैसे 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3, तो आधार मेरा अलग अलग है लेकिन पावर मेरा समान है, तो आधार को एक साथ गुणा कर लेंगे पावर मेरा वही रहेगा, तो क्या हो गया, 6 गुना 2 गुना 3 बराबर 6 पावर 3।
ना हो गया। उसके बाद है मेरा 1 बाय एक्स पे पावर माइनस एम, इसको उल्टा के हम लोग लिख सकते हैं, एक्स पे पावर एम लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। घातांक के नियम में जो भी फॉर्मूला है आप जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक घातांक के नियमों का आप बना क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो 1 बटे एक्स पर पावर माइनस एम इसको हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर एन, इसको उल्टाएंगे तो एक्स पे पावर एम ये हो जाएगा, ऐसे हम आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखें 1 बटे एक्स पे पावर माइनस सेवन को लिख सकते हैं आप एक्स पे पावर सेवन, ठीक है। अब दूसरा देखें एक्स पे पावर एम को आप लिख सकते हैं 1 बाय एक्स पे पावर एम, इसको उल्टाने के बाद मेरा एक्स पे पावर माइनस एम हो जाता है। जैसे देखें एक्स पे पावर माइनस टू, इसको क्या लिख पाएंगे हम 1 बाय एक्स पे टू हो जाए, स्क्वायर टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग जानते होंगे किसी भी संख्या पे पावर जीरो रहने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो देखें जैसे मैं 2 पे भी पावर हम जीरो लेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 पे भी पावर जीरो लेंगे तो 1 हो जाएगा, 250 पे भी पावर जीरो लेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। आप लोग याद रखें किसी भी संख्या पे पावर जीरो रहने पर वो 1 हो जाता है, आप लोग इतना याद रखें। उसके बाद आठवां है आधार अलग अलग रहने पर घात, ये जो पावर है वो समान सब में बट जाता है। जैसे एक्स पे पावर घात है एक्स में भी चल जाएगा, वाई में भी घात चलाएगा, जेड में भी ये घात चलाएगा, ये ऐसे होता है। आप लोग देखें एक्स पे पावर घात एक्स आ गया, वाई पे पावर घात एक्स आ गया, मतलब जेड पे पावर घात एक्स आ गया, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे इसमें भी देख लें समझ आ जाएगा 2, 3, 4 पावर 2 दे दिए, आप इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 3 पे पावर 2 गुना 4 पे पावर 2 ऐसे आप लिख सकते हैं। घातांक के नियमों में आपको ये सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तभी तो क्वेश्चन आपका बन पाएगा। तो जान ले गुना में आधार समान रहने पर पावर जुट जाता है, आधार समान था पावर जोड़ दिए, ये आपका आधार 2 है पावर 3, 4 है तो आधार 2 ही रखे और 3 और 4 को जोड़ दिए पावर 7 हो गया 2 पे। फिर भाग में आधार समान रहने पर पावर घट जाता है, आधार एक्स पे पावर एम गुना एन ऐसे करके हम कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को बता दिए तो आप लोग घातांक के नियमों का पूरा फॉर्मूला याद रखें तभी तो क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, ओके।